फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो का टॉपिक है अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर नथानिएल हॉथोर्न की बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग स्टोरी डॉक्टर हाइडेगर्स एक्सपेरिमेंट, यानी डॉक्टर हाइडेगर का प्रयोग। बहुत ही सिंपल स्टोरी है, फिर भी इसे कार्टून्स की हेल्प से काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगा। सो नाउ विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अबाउट द स्टोरी, द स्टोरी वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड एज द फाउंटेन ऑफ यूथ इन जनवरी 1837 इन द निकबॉकर मैगजीन। इस स्टोरी को जनवरी 1837 में फर्स्ट बार द फाउंटेन ऑफ यूथ के नाम से द निकरबॉकर मैगजीन में पब्लिश किया गया था। मेन थीम्स आर फुलिसनेस, ओल्ड एज, रियलिटी एंड चेंज। इस स्टोरी की मेन थीम्स हैं फुलिसनेस यानी मूर्खता, ओल्ड एज यानी बुढ़ापा, रियलिटी यानी हकीकत और चेंज यानी बदलाव। सबसे पहले बात करते हैं स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स के बारे में, तो मोस्टली इस स्टोरी में 6 कैरेक्टर्स हैं। फर्स्ट हैं डॉक्टर हाइडेगर, जो कि एक बूढ़े और बुद्धिमान डॉक्टर हैं और इस स्टोरी के मेन हीरो भी हैं। सेकंड कैरेक्टर हैं कर्नल क्लीग्रेव, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अय्याशी करने में और मौज मस्ती करने में गुजार दी और अब ये बूढ़े हो चुके हैं और बीमार रहने लगे हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर हैं मिस्टर मेडबोर्न, जो कि अपनी यंग एज में एक अमीर व्यापारी थे, फिर इन्हें सट्टे लगाने की आदत पड़ गई और ये पूरी तरह बर्बाद हो गए। फोर्थ कैरेक्टर हैं मिस्टर गेस्कोइग ने, जो कि अपनी यंग एज में एक पॉलिटिशियन थे, लेकिन करप्शन यानी भ्रष्टाचार की वजह से इनका करियर ख़त्म हो गया था। नेक्स्ट कैरेक्टर हैं एक विधवा औरत क्लारा वाइचरली, जो कि अपनी यंग एज में काफ़ी खूबसूरत थी और इससे ये तीनों आदमी यानी कर्नल क्लीग्रेव, मिस्टर मेडबोर्न और मिस्टर गेस्कोइग ने बहुत प्यार करते थे और इसके लिए ये तीनों एक दूसरे का गला काटने के लिए भी तैयार थे, लेकिन अब ये सभी बूढ़े हो चुके हैं। और लास्ट 6th कैरेक्टर हैं सिल्विया वार्ड, जो कि एक यंग ब्यूटीफुल लड़की थी और ये डॉक्टर हाइडेगर से प्यार करती थी और ये दोनों आपस में शादी भी करने वाले थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शादी से एक दिन पहले इसकी डेथ हो गई थी। डॉक्टर हाइडेगर अपने स्टडी रूम में जिस रोज को एक्सपेरिमेंट के लिए यूज करते हैं वो सिल्विया वार्ड ने इन्हें दिया था। दोस्तों, एक बार स्टोरी के बारे में शॉर्ट में आपको बता दूं कि इस स्टोरी में डॉक्टर हाइडेगर अपने 4 बूढ़े दोस्तों को फाउंटेन ऑफ यूथ यानी मैजिकल वाटर देकर उन्हें वापस जवान करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। इनके दोस्तों में 3 जेंट्स हैं और एक विधवा लेडी हैं, ये सभी अब काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं और इन सभी ने अपनी यंग एज को बिना काम किए ऐसे ही मौज मस्ती करने और अय्याशी करने में गुजार दिया और अब ये वापस जवान होना चाहते हैं। क्या डॉक्टर हाइडेगर के एक्सपेरिमेंट से ये वापस जवान हो पाते हैं या नहीं, और जवान होने के बाद ये कौन कौन सी हरकतें करते हैं, यही सब हम आज की इस स्टोरी में पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। स्टोरी की शुरुआत में डॉक्टर हाइडेगर अपने 4 बूढ़े दोस्तों को अपने अजीब दिखने वाले स्टडी रूम में आने के लिए इनवाइट करते हैं, जहां पर अक्सर ये एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। इन चारों दोस्तों में 3 आदमी हैं, जो हैं कर्नल क्लीग्रेव, मिस्टर मेडबोर्न, मिस्टर गेस्कोइग ने और एक विधवा औरत हैं जिसका नाम है क्लारा वाइचरली। और अब डॉक्टर हाइडेगर के ये चारों दोस्त काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं, इन चारों ने अपनी यंग एज को मौज मस्ती और अय्याशी करने में गुजार दिया और अब इनके पास न तो जवानी है, न पैसा है, न पावर है और न ही खूबसूरती है। ये अपना सब कुछ खो चुके हैं और जब विधवा औरत सिल्विया वार्ड जवान थी तब ये तीनों आदमी इसे काफ़ी पसंद करते थे और इसके लिए एक दूसरे का गला काटने के लिए भी तैयार थे। अब स्टोरी में आगे डॉक्टर हाइडेगर के स्टडी रूम को दिखाया जाता है, जो कि दिखने में काफ़ी अजीब है और यहाँ पर चीज़ें इधर उधर बिखरी पड़ी हैं। डॉक्टर हाइडेगर भी एक सन की नेचर के इंसान हैं और जब भी ये अपने इस स्टडी रूम में कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहाँ पर टंगी हुई गॉड हिप्पोक्रेटिस की मूर्ति से बातचीत करते हैं। यहाँ पर एक मैजिक की ब्लैक बुक है, एक खोपड़ी है और एक मिरर भी है, जिसमें उन लोगों के चेहरे दिखाई देते हैं जो कभी डॉक्टर हाइडेगर के पेशेंट हुआ करते थे, लेकिन इनके एक्सपेरिमेंट के फेल होने की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन उन लोगों की आत्मा अभी भी उस मिरर में दिखाई देती है, यानी कि वो मिरर काफ़ी डरावना है। इसके अलावा इनके स्टडी रूम में बुक्स इधर उधर बिखरी पड़ी हैं और पूरे रूम में धूल छाई हुई है। यहाँ पर डॉक्टर हाइडेगर की गर्लफ्रेंड सिल्विया वार्ड का पोर्ट्रेट भी है। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी भी करने वाले थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शादी से एक दिन पहले इसकी डेथ हो गई थी।
और डॉक्टर हाइडेगर के पास इनकी गर्लफ्रेंड सिल्विया का दिया हुआ वो रोज आज भी रखा हुआ है, लेकिन अब वो सूख चुका है और वो मुरझा चुका है। और अब यहाँ पर मेडिसिन के फादर हिप्पोक्रेट्स की एक मैजिकल बुक है। डॉक्टर हाइडेगर ने बूढ़े लोगों को वापस जवान करने के लिए फ्लोरिडा से मैजिकल वाटर मंगवाया था, जिसे कि फाउंटेन ऑफ यूथ यानी जवानी का झरना नाम से भी जाना जाता है। हाइडेगर का मानना था कि इस मैजिकल वाटर को पीने से कोई भी बूढ़ा आदमी वापस जवान हो सकता है। इस मैजिकल वाटर में ये क्वालिटी है कि ये चीज़ों को वापस फ्रेश और बूढ़े लोगों को वापस जवान बना देता है, लेकिन इसका इफ़ेक्ट थोड़े टाइम के लिए ही रहता है। डॉक्टर हाइडेगर अपने इन चारों दोस्तों से कहते हैं कि इस फूलदान में जो मैजिकल वाटर है वो बूढ़े लोगों को वापस जवान करने वाला है, और मैं इसके साथ एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ जिसमें मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। बूढ़े लोगों को वापस जवान करने की बात सुनकर ये चारों दोस्त डॉक्टर का मजाक बनाने लगते हैं कि अरे डॉक्टर पागल हो गए हो क्या, ये कैसे पॉसिबल है, भला एक बूढ़ा आदमी कैसे जवान हो सकता है। तब डॉक्टर ने कहा कि अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो तुम खुद ट्राई करके देख लो। फिर ये चारों दोस्त एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार हो जाते हैं। अब डॉक्टर उन चारों दोस्तों को शैम्पियन, जो कि एक टाइप की शराब होती है, उसमें उस मैजिकल वाटर को मिलाकर एक एक गिलास पिला देते हैं और फिर वहाँ पास में बैठकर उसका इफ़ेक्ट देखने लगते हैं। मैजिकल वाटर पिलाने के बाद डॉक्टर हाइडेगर इन चारों दोस्तों को चेतावनी भी देते हैं कि जो गलतियाँ तुमने अपनी यंग एज में की थी उन्हें अब वापस मत करना, जैसे कि इस विधवा औरत क्लारा वाइचर्ली के लिए तुम तीनों आपस में लड़ने के लिए तैयार थे, तुम्हें बच्चों जैसी हरकतें नहीं करनी है। मैजिकल वाटर ड्रिंक करने के बाद तुम सभी को मैच्योर इंसान की तरह बिहेव करना है। और उस मैजिकल वाटर को पीने के बाद उन सभी के चिक्स यानी गाल, जो कि बुढ़ापे के कारण पिचक गए थे, वे वापस हेल्दी हो गए। उन्हें महसूस होने लगा कि अब वे वापस जवान हो रहे हैं। उस विधवा औरत क्लारा वाइचर्ली ने अपनी कैप को एडजस्ट किया क्योंकि अब वो भी जवान हो रही थी। उस मैजिकल वाटर को पीकर डॉक्टर के चारों दोस्त जवान हो रहे थे और वे डॉक्टर से थोड़ा और मैजिकल वाटर पीने की डिमांड करने लगे कि हम थोड़ा और यंग दिखना चाहते हैं। डॉक्टर ने उन्हें थोड़ा और वाटर दे दिया। उन चारों ने वो मैजिकल वाटर पी लिया। अब उनकी आंखों में जवान लोगों की तरह चमक आने लगी। उनके बाल जो पूरी तरह सफ़ेद हो चुके थे वे थोड़े थोड़े काले होने लगे। अब कर्नल क्लीग्रेव से रहा नहीं गया और उसने उस जवान विधवा औरत क्लारा वाइचर्ली से कहा कि तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। अपनी तारीफ सुनकर वाइचर्ली को उस पर यकीन नहीं होता क्योंकि वो अपनी यंग एज में इसके साथ काफ़ी फ्लर्ट किया करता था, इसलिए वो खुद खड़ी होती हैं और मिरर में अपनी इमेज देखती हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत थी, और यह देखकर वो बहुत खुश होती हैं। अब डॉक्टर हाइडेगर अपनी गर्लफ्रेंड सिल्विया वार्ड के दिए हुए उस मुरझाए रोज को इस मैजिकल वाटर में डाल देते हैं और अपने उन चारों दोस्तों से कहते हैं कि देखो इस मुरझाए हुए रोज को मैजिकल वाटर में डालते ही यह पहले की तरह फ्रेश हो गया और खिल गया। इन तीनों दोस्तों ने महसूस किया कि इनका बुढ़ापा चला गया है और ये अब वापस यंग और एनर्जेटिक हो गए हैं। और मिस्टर गेस कोइग ने, जो कि अपनी यंग एज में एक पॉलिटिशियन हुआ करते थे, वे अब वापस पॉलिटिक्स के बारे में सोचने लगते हैं। और कर्नल क्लीग्रेव ने उस विधवा औरत क्लारा वाइचर्ली की और प्यार भरी नज़रों से देखकर एक गाना गाया और साथ ही इन्होंने देखा कि ये लेडी अब पहले से काफ़ी खुश थी। और मिस्टर मेडबोर्न, जो कि अपनी यंग एज में एक अमीर व्यापारी थे, वे अब वापस जवान होने पर अपने बिजनेस के बारे में सोचने लगते हैं। और वो विधवा औरत क्लारा वाइचर्ली अभी भी खुद को मिरर में देख रही थी, उसे अपने वापस जवान होने पर यकीन नहीं हो रहा था। अब डॉक्टर हाइडेगर ने एक बार फिर उन सभी खाली ग्लासेस को मैजिकल वाटर से भर दिया और उन चारों दोस्तों ने जल्दी से उसे पी लिया और अब वे पूरी तरह जवान हो गए। अपनी यंग एज को पाकर वे सभी चिल्लाए, अरे अभी तो हम सब जवान हैं, और वे सभी डांस करने लगे और डॉक्टर हाइडेगर की तरफ देखकर बोले, अरे डॉक्टर तुम अभी तक क्यों बूढ़े बने हुए हो, जल्दी से ये मैजिकल वाटर पी लो और हमारी तरह जवान हो जाओ। अब वे तीनों आदमी उस विधवा औरत के साथ डांस करना चाहते थे, ये एक दूसरे को धक्का देने लगे कि मैं इस औरत के साथ डांस करूँगा, मैं डांस करूँगा, और इस तरह उन्होंने आपस में लड़ना शुरू कर दिया।
और जब ये मैजिकल वाटर एक मरी हुई मधुमक्खी के ऊपर गिरता है तो वो भी वापस जिंदा हो जाती है। जब ये तीनों आदमी उस औरत के साथ डांस करने के लिए आपस में लड़ाई कर रहे थे, तभी टेबल में रखा हुआ मैजिकल वाटर नीचे गिर जाता है, जो कि नीचे पड़ी हुई एक बटरफ्लाई यानी तितली और रोज को टच करता है, जिससे ये दोनों वापस फ्रेश हो जाते हैं और स्ट्रांग हो जाते हैं। और अब पूरा मैजिकल वाटर ख़त्म हो चुका था, इसलिए उन चारों दोस्तों से इसका प्रभाव ख़त्म होना शुरू हो जाता है। वे अब वापस बूढ़े होने लगते हैं और फाइनली वे बूढ़े हो जाते हैं। यह देखकर ये चारों दोस्त काफ़ी दुखी होते हैं और डिसीजन लेते हैं कि वे सभी इस मैजिकल वाटर को लेने के लिए फ्लोरिडा जाएंगे और वहीं पर सुबह से शाम तक इस वाटर को पीते रहेंगे। ओवरऑल इस पूरी स्टोरी में राइटर हमें यह बताना चाहते हैं कि हमें कभी भी नेचर के अगेंस्ट कोई काम नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, इसी के साथ ये स्टोरी कंप्लीट होती है। और कैसे लगी आपको ये स्टोरी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।